गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो विविध प्रश्नमाला 5 है उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो अलग प्रकार से है और जिसमें आपकी दिक्कत आ सकती है। तो जो जो प्रश्न में आपकी समस्याएं आ सकती है उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ और बचे हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ आपके जैसे विविध प्रश्नमाला है उसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना इन सबको आपको सोल्व करके और फिर अपनी फेयर कॉपी में हल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 18 ए बी और -3 इस प्रकार से आपको चार पद दे रखे हैं। ये पद आपको ये कह रखा है कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है कितना आएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चार ऑप्शन है, 19 है, 7 है, 11 है और 15 है, अपन चेक कर लेंगे। अपने को ये पता है कि समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का जो अंतर है अर्थात सर्व अंतर है वो क्या होता है, बराबर आता है। तो देखो इन पदों का अंतर और इन पदों का अंतर, ये भी दो क्रमागत पद हैं और ये भी दो क्रमागत पद हैं, इन दोनों का अंतर है वो बराबर आएगा। अगर मैं इसको पदों के रूप में देखूं तो ये क्या है, A1, A2, A3, A4। तो यहां मैं कह सकता हूं कि चूंकि A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3 ये भी दो लगातार आने वाले पद हैं और ये भी दो लगातार आने वाले पद हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर आएगा क्योंकि ये अभी श्रेणी है, कौन सी है, समांतर श्रेणी है। तो इनका अंतर करो, A2 का मान क्या है, A-18 और ये क्या हो गया, बराबर -3 -B। समझ में आ गई है, बस A2, A1, A4, A3 इनके मान रखे हैं यहां से कंपैरिजन करके। अब माइनस बी को इधर ले लो, प्लस 18 को उधर ले जाओ, तो ये A इधर बैठा है, माइनस बी इधर आया तो प्लस बी, और ये प्लस 18 उधर चला गया प्लस बन के -3, तो आपके पास A प्लस बी का जो मान है वो मान आएगा 15 और ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं इस प्रश्नावली में, तो इसके नोट इसको नोट कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर श्रेणी है उसके तीन क्रमागत पद दे रखे हैं आपको, समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, क्रमागत पद कौन कौन से हैं, 4/5 ए और 2, तो आपको ये पूछा है कि ए का मान ज्ञात करो कितना है। तो यहां पर भी देखो तीन क्रमागत पद हैं, तीन क्रमागत है, तो इसी की तरह अगर मैं इसको मान के लिखूं तो यहां पे आप लिख सकते हो जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, क्लियर है। तो यहां पे भी दो दो का अंतर है वो बराबर आएगा। अब यहां देखो यहां तो चार पद थे तो हमने ये पद और ये पद को अंतर को वैसे बराबर ले लिया, अब यहां पे तीन ही पद हैं तो पहले इन दो पदों का अंतर ले लो फिर इन दो पदों का अंतर ले लो और देखो क्या बनता है। तो हम यहां पे ले सकते हैं जैसे ये A1 A2 A3 है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल A3 माइनस A2, अब तीन ही पद है तो हमने A2 में से A1 को माइनस कर दिया और A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ये अंतर क्या होगा, बराबर आएगा। तो A2 में से A1 को माइनस करो, ये A2 है, तो क्या हो गया, A-4/5, ये मान यहां से रख रहे हैं बस और कुछ नहीं है। A3 का मान कितना है, 2 माइनस A2 का मान कितना है, A है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस A को इधर ले आओ, माइनस के 4/5 को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, A+A बराबर 2+4/5, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। A और ये कितना हो गया, 2A इज इक्वल लघुतम कितना आएगा, 5, तो यह क्या हो गया, 5 × 10 + 4 = 4 बराबर 14/5। अब देखो A का मान करेंगे तो 2 का लगेगा भाग, तो ये 14/5 है, 2 का लग रहा है अब भाग लग रहा है तो नीचे आएगा, ये 2 से इसको काट दो 7, तो आपके पास A का जो मान है वो आ गया 7/5, क्लियर है। इसको भी नोट कर लेना, वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आप नोट करें। और इसके बाद में अपन अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको छोटे रूप में दे रखा है लेकिन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कैसे हल हो रहा है, कैसे इसको समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अब तक आप पूरी प्रश्नावली पढ़कर आ चुके तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुक्स सबके पास है, नहीं है तो मैं वैसे सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस, तो उनको देख लेना। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल एसएन है। आपको यह कह रखा है कि चूंकि समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का जो योग है उसको क्या कह रखा है, एसएन कह रखा है, ऐसा नहीं होता है वो। और इसके साथ में आपको ये दे रखा है, इसके साथ में आपको ये दे रखा है कि एसएन सॉरी एस टू एन इज इक्वल 3SN है, यानी एस टू एन का जो मान है वो 3SN के बराबर है। तो आपको अनुपात पूछा है, और वो अनुपात किसका पूछा है, S3N और SN का, S3N और SN का अनुपात पूछा है कि कितना आएगा, ये समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं, चेक कर सकते हो आप कि समांतर श्रेणी में प्रथम N पदों के योग को SN के रूप में लिखते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा सबके अंदर, लेकिन थोड़ा सा समझना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपका, Sn इज इक्वल क्या, n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो है भाई फॉर्मूला n पदों के योग का, आप जानते हैं इनको। अब ये देखो यहां पे, अब अपने को सबसे पहले तो ये दिया हुआ है s2n है वो 3sn के है बराबर, देखना आप, तो आपको ये अनुपात है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें नीचे 3n है, यहाँ पे n है, तो ये अनुपात हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व करके हम ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जैसे पदों की संख्या n है, सार्वअंतर d है, कोई प्रथम पद है, तो उनमें से अगर किसी भी चीज का मान निकलता है तो वो हम इस कंडीशन से निकालने का प्रयास करेंगे। चेक करना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि S2N इज इक्वल 3SN, क्लियर है, और SN का फॉर्मूला ये है। अब यहां देखो आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे इसको करना है, आप यहां पे देखते हैं कि S का जो नीचे यहां पे पादांक है उसके अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, 2N लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूले में क्या आता है, यहां पे N आता है। फॉर्मूले में जब यहां N आता है तो यहां N हो गया, यहां N हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पे 2n आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना है, 2n लिखना है, ठीक है। अगर 2n की जगह 3n आता है तो भी वही काम होता है, जहां जहां n होता है वहां वहां 3n लिख दिया जाता है, क्लियर है, बस ये काम करो। तो S2n जो है LHS और RHS दोनों में अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे बनेगा ध्यान से देखें, 2n यहां पे है तो पहले ये फॉर्मूला लिखो, जहां जहां n है वहां वहां 2n से मान रखो, तो क्या बनता है चेक करो, 2n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक 2n माइनस 1 इंटू डी, खत्म कहानी, यही फॉर्मूला एज इट इज लिखा है, जहां n था वहां 2n कर दिया क्योंकि इसके आधार में 2n है, इज इक्वल 3 इंटू एस एन, तो 3 है वो तो एज इट इज आ गया। आगे चलो, आगे sn का फॉर्मूला लगा दो, जो बाद में लगा देंगे ब्रैकेट, Sn का फॉर्मूला तो एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लिखो यहाँ पे n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लो। अब LHS में आपके पास कोई पद आ गया, RHS में कोई पद आ गया, इसको सोल्व कर लो, जहां कटता है तो काट दो, जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे n बचा है तो n है, इसको हल कर लो थोड़ा सा, 2a प्लस इसको हल करो, क्या बनता है 2nd minus d इज इक्वल 3n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस, इसको सॉल्व कर लो, nd माइनस डी, ये लो, ठीक है। अब चलो आगे इसको अंदर, यहां देखो बट्टा में 2 है, यहां कर सकते हो ताकि बट्टा वाला पद हट जाए, बट्टा में 2 यानी इधर 2 का भाग लग रहा है, ये 2 आ जाएगा इधर, तो अगली स्टेप में क्या करो आप, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया 2n बन जाएगा, इधर ये भाग में है इधर गुणा में आ जाएगा, 2n हो गया,
ये हो गया 2a प्लस 2nd माइनस d इज इक्वल 3n 2a प्लस nd माइनस d। चेक करो इसको अंदर इनटू कर दो तो क्या बनेगा 4an n a an हो गया, दो दुनी चार ये हो गया, प्लस आगे इनटू करो दो दुनी चार एन स्क्वायर डी माइनस टू एन डी, आगे करो इसको अंदर इनटू करो सिक्स ए एन प्लस थ्री एन स्क्वायर डी माइनस थ्री एन डी, ये लो भाई। अब देखो ये एन स्क्वायर डी टू एन डी ये जो पद हैं यहां पे, ये दो पद है इनको तो ले लो आप इधर और 4an को ले जाओ उधर और इनमें आपस में रिलेशन देखो क्या बनता है, या किसी भी पद को इधर उधर कर सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको a वाला पद एक जगह रखना है और d वाले जो पद हैं उनको एक जगह रखना है, ये काम करना है। तो a को इधर ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4an तो इधर है ही, ये 6an इधर आ जाएगा तो माइनस के बन के आएगा 6an, क्लियर। और इन सबको उधर ले जाओ तो उधर पहले से कौन बैठा है 3n स्क्वायर d माइनस 3nd, ये दो पद उधर जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये बनेगा माइनस का 4n स्क्वायर d, ये माइनस का है तो ये बनेगा प्लस का 2nd। चलो भाई यहां पे देखो 4an में से 6an माइनस हो गया 2an किसका माइनस का, यहां देखो 3n स्क्वायर d माइनस के 4n स्क्वायर d तो तीन में से चार कटते हैं तो कितना आता है माइनस का n स्क्वायर d, फिर माइनस का 3nd प्लस का 2nd तो यहां पे क्या आएगा माइनस का nd। इसको सॉल्व करो आगे माइनस का 2an, यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का n, माइनस का एक तो n कॉमन आएगा एक d कॉमन आ रहा है, तो यहां पे देखो माइनस भी कॉमन आ गया n कॉमन आ, एक n कॉमन आ गया एक d कॉमन आ गया तो यहां तो बचा n प्लस यहां बचेगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल n से n कैंसिल, तो आपके पास एक पद आया है वो पद ये है कि 2a बराबर n प्लस 1, देखो 2 यहां तो बचा 2a और यहां बचा ये कैंसिल हो गया और एक d बचा है, 2a बराबर आ गया आपके पास n प्लस 1 इंटू डी, ये बचा एक तो d बचा है एक n प्लस 1 बचा है, तो 2a का जो मान है इसको सोल्व करने पर आपके पास आ गया n प्लस 1 इंटू डी, क्लियर। अब आपको पूछा क्या है उस पे चलो, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, अब 2a का मान आ गया इसको सॉल्व करने पर, कैसे किया ये पता है आपको तो इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लेना वीडियो को रोक के, और उसके बाद में ये मान अपने को आगे चाहिएगा 2a बराबर n प्लस 1 इंटू डी। अब चेक करो आपको आगे क्या कर रहा है, एस थ्री एन और एस एन का अनुपात निकलवाया है कि कितना आएगा, तो अब अपने को इस पर विचार करना है एस थ्री एन अनुपात एस एन पे, तो चेक करें अब हम निकालेंगे इनका अनुपात, तो ये उसमें छोटे वाले क्वेश्चन में डाल रखा है लेकिन जब इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको आप पूरा सोल्व करके ही हल करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अब चेक करो, अब आपको चाहिए एस थ्री एन अनुपात एस एन, यहां अनुपात जो है उसको हम अपोन में लिख सकते हैं, आपको पता है जब अनुपात आते हैं तो उसको बट्टा में भी लिखा जा सकता है, तो हमें S3n अपॉन Sn का मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है वही Sn वाला फॉर्मूला लगाना है ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर 3n है तो 3n आ जाएगा n की जगह, नीचे n है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे फॉर्मूला लगाओ क्या होगा 3n by 2 cosec 2a plus 3n minus 1 into d अपॉन यहां n है तो n हो जाएगा वापस n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया है ऊपर वाले में, चेक कर लो एस एन का फॉर्मूला ये है, जहां n था वहां 3n लिखा है और कुछ नहीं किया, बस सेम फॉर्मूला है। अब देखो आपको ये जो दिया हुआ था इसको हमने हल किया तो आपके पास 2a का जो मान है वो आया है n प्लस 1 इंटू डी, ये मान हम यहां रखेंगे 2a की जगह बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम, तो यहां चेक करें ये हो गया 3n by 2 कोष्टक 2a की जगह ये मान रखेंगे n प्लस 1 इंटू डी और आगे है आपके 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन ये हो गया n by 2 2a की जगह रखेंगे n प्लस 1 इंटू डी और प्लस
एन माइनस वन इन टू डी। ये लो भाई, अब इसको सोल्व करना है, बस गुणा भाग है और कुछ नहीं है। यहां चेक कर सकते हैं आप, यहां ऊपर बचा है आपके पास 3n by 2, इसको हल करो। देखो d को अंदर इंटू करो, एन डी प्लस डी, एन को d से इंटू किया एन डी, फिर प्लस, फिर 1 को d से इंटू किया d, फिर प्लस, इस d को भी अंदर इंटू करो 3n के साथ इंटू होगा तो ये हो गया 3nd, फिर आगे माइनस 1 से इंटू होगा तो माइनस के d अपॉन एन बाई टू कोष्टक, यहां अंदर मल्टीप्लाई करो गुणा करो एन डी प्लस डी और प्लस एन डी माइनस डी, चेक करें। अब यहां देखो क्या हो रहा है, 3n बाई टू, यहां देखो एन डी और 3nd, ये तो क्या हो गया 4nd और d से d हो गया कैंसिल, नीचे भी देखो d से d हो गया कैंसिल, एक प्लस का है और एक माइनस का है, अपॉन क्या होगा एन बाई टू, एन डी और एन डी क्या हो गया 2nd। अब चेक करो जो पद कटते हैं उनको काट दो, जो रहते हैं उनको रहने दो। देखो अब यहां देखो क्या हो रहा है, ऊपर देखो क्या है 3n बाई 2 है, अगर मैं 3 को अलग करूं तो यहां क्या बचता है n बटे 2 और यहां क्या है n बटे 2, तो n बटे 2 से n बटे 2 तो हो गया कैंसिल, अब यहां तो बच गया 3, इसको लिख दो यहां पे 3। अब यहां कोष्टक में चलो, ऊपर देखो nd है नीचे है nd, ये तो हो गया कैंसिल, तो ऊपर तो बचा आपके पास 4 और नीचे क्या बचा 2, इस 2 को 4 से काट दिया 2 बार तो कितना आ गया 6 आ गया। तो आप देखेंगे कि s3n अनुपात sn, इसका जो मान है वो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 है वो आप हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपको इसमें ये पूछ लेता है कि s3n अनुपात sn का अनुपात बताओ तो ये कितना हो जाएगा 6:1, क्योंकि 6 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, तो अगर अनुपातों के रूप में पूछे तो आपका आंसर ये आएगा, और डायरेक्ट आंसर पूछे तो आपका आंसर आएगा 6। तो आपका जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर आंसर है वो होगा आपका 6 और ये होगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का आप आज ही एक बार और बिना देखे अभ्यास करने की कोशिश करना, और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि अलग सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और विविध के जो प्रश्न आपको इसमें दिए हुए हैं वो आपको भेज देंगे, उसमें अगर जिसके पास बुक्स नहीं है तो आपको आज वो सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।